दोस्तों, आपको स्मार्टफोन लेना है और आपको स्मार्टफोन लेने के लिए चॉइस नहीं मिल रही है कि कौन से स्मार्टफोन लें, और कंफ्यूजन है। और आपको ऐसा स्मार्टफोन लेना है जैसे कि आपको कैमरा क्वालिटी काफी अच्छा देखने को मिले, जिससे आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग या कर सकते हैं फोटो शूट या अगर कुछ भी आप कर सके। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में प्रोसेसर के साथ आपको कैमरा भी अच्छी क्वालिटी के साथ चाहिए होता है, क्योंकि इस वक्त काफी लोग ने रील्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए एक कैमरा वाला अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए रील्स बनाने के लिए। तो ऐसे में आपको अच्छे कैमरे के साथ आप प्रोसेसर भी और अच्छी गेमिंग करने के लिए भी स्मार्टफोन चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पूरा अंत तक देखिए। पूरे आज के अंत तक वीडियो देखने पर आपको ऐसे कुछ स्मार्ट ड्रॉ 10 स्मार्टफोन, तो आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि आपको बी कह सकते हैं आप ये 12,000 से या 15,000 से लेकर 25,000 30,000 तक स्मार्टफोन को बताऊंगा। हर एक रेंज में आप उन सभी स्मार्टफोन को, कोई भी स्मार्टफोन को आप चूज कर सकते हैं, और ऐसे स्मार्टफोन होंगे जो कि आपको कैमरा क्वालिटी के साथ आपको गेमिंग भी कर सकते हैं और अच्छे फीचर्स के साथ भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्हीं में सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आने वाला है मोटोरोला की तरफ से मोटो एज 50 फ्यूजन। दोस्तों, मोटो एज 50 फ्यूजन ये 4-5 महीने पहले लॉन्च हुआ था स्मार्टफोन। बात करें स्मार्टफोन के लेकर फीचर्स वगैरह के लेकर, तो काफी क्लियर अच्छी फीचर्स के साथ जो क्लीन एंड्रॉइड के साथ देखने को मिला था, जिसमें आपको 6.7 इंच के आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पी ओएलईडी डिस्प्ले देखने इस्तेमाल किया जाएगा। वही इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है आप प्रोसेसिंग वगैरह के लिए। वही बात करें दोस्तों, आप कैमरा क्वालिटी के लेकर कैमरा फीचर्स कैसे इसमें देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन में, तो इसमें आपको कैमरा फीचर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप को डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें 50 MP का मेन सेंसर प्लस 30 MP का आपको सेकेंड सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें कैमरा फीचर्स वगैरह कहा जाए तो काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। वही फ्रंट वगैरह के लेकर सेल्फी वगैरह के लेकर 32 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही इसमें जो कह सकते हैं बैटरी वैटरी देखने को मिलती है, तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 68 W का आपको चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है चार्जर के लिए। तो इससे ओवरऑल फीचर्स वगैरह को लेकर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वही स्मार्टफोन की प्राइस के लेकर कहे, इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको 22,000 रुपए देखने को मिल जाती है बिना कोई ऑफर के लेकर। ऑफर वगैरह लगाते हैं तो उसकी अलग देखने को मिल जाती है। दोस्तों, हम बात करें दूसरे नंबर की स्मार्टफोन के लेकर, इसमें आती है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की बात करें दोस्तों, यह स्मार्टफोन तो लॉन्च 23,000-35,000 पर देखा जाए तो काफी इसकी प्राइस ड्रॉप होती रही है। अब इसकी प्राइस देखा जाए तो काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, अब इस स्मार्टफोन की प्राइस आके 30,000 पर आ गई है। अब इस स्मार्टफोन की हम बात कर लेते हैं फीचर्स वगैरह करते हैं। इसमें 6.4 इंच की आपको डायमंड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर इसमें एक्सेनो का आपको 2200 का देखने को मिल जाता है। वह कैमरा वगैरह की बात करें तो इसमें भी आपको कैमरा फीचर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ 50 MP मेन सेंसर और 12 MP सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 10 MP कैमरा देखने को मिल जाता है। वही बात करें बैटरी के लेकर, इसमें 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बैटरी वगैरह बैकअप देखने को मिल जाता है। और थर्ड नंबर की स्मार्टफोन की बात करें दोस्तों, वीवो की तरफ से आने वाला वीवो काफी शानदार स्मार्टफोन है, जैसे कि वीवो के T3 Pro 5G की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन फीचर्स वगैरह भी काफी अच्छा शानदार देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 6.7 इंच का आपको फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और इसमें डिस्प्ले के साथ काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं इसकी लेकर इसकी कैमरा वगैरह के लेकर, इसमें आपको कैमरा फीचर्स भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जिसमें 50 MP का मेन सेंसर प्लस 8 MP का सेकेंड सेंसर देखने को मिल जाता है। वही फ्रंट की बात कर लेते हैं, इसमें फ्रंट में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वही बैटरी बैकअप के लिए काफी अच्छी बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफी बड़ी बैटरी देखने 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए 80 W का चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, स्मार्टफोन फीचर्स काफी अच्छा है। वही प्राइस के लिए लेकर बात करें, ये स्मार्टफोन भी आप प्राइस ले इसी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, इसकी भी कीमत आपको 22,000-23,000 देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे स्मार्टफोन प्राइस देखने को। वही दोस्तों, चौथे नंबर के स्मार्टफोन की बात कर लेते, चौथे नंबर पर है पोको की तरफ से आने वाला पोको X6 Pro। पोको X की बात करें, इसमें 6.67 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें हम बात कर लेते हैं मीडियाटेक का डायमसिटी का D8300 देखने की प्रोसेसर मिल जाती है, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेसर है। वही इसमें
में आपको बात करें कैमरा के लेकर, ये स्मार्टफोन आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाते हैं। 3 सेंसर इस स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए गए हैं। वही फ्रंट में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें भी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको चार्ज करने के लिए 67 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छी चार्जिंग है और क्विक चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो पोको का स्मार्टफोन भी काफी अच्छी है, और इसकी बात करें प्राइस के लेकर, ये भी स्मार्टफोन आपको 22,000 रुपए में स्मार्टफोन आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों हम पांचवें नंबर के स्मार्टफोन की बात करते हैं। पांचवें नंबर के स्मार्टफोन काफी ज्यादा शानदार स्मार्टफोन है, और नथिंग की तरफ से आने वाला काफी अनोखे डिजाइन और डिफरेंट डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। आपको लगता है दोस्तों आपको कह सकते हैं आपको स्मार्टफोन को डिफरेंट डिजाइन के चाहिए, कह सकते हैं डिफरेंट तरीके से चाहिए, तो नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग फोन 2A दोस्तों का प्लस काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी बात करें 6.7 इंच के आपको कह सकते हैं डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 5 AMOLED डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल होती है, काफी फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टाइप का है AMOLED डिस्प्ले, और इसमें आपको MediaTek का Dimensity का 7350 का प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, और इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है, जिसमें 50+50 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाती है, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन की प्राइस की बात करते हैं, स्मार्टफोन आपको 22,000 रुपए में आप स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सातवें नंबर के स्मार्टफोन को लेकर, ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको काफी ज्यादा कर सकते हैं, आप उन स्मार्टफोन से प्राइस आपको कम देखने को मिलेगा इन स्मार्टफोन में, जिसमें हम बात कर लेते हैं सातवें नंबर का जो हमने स्मार्टफोन रखा है, जो कि पोको का F4। पोको का F4 दोस्तों का ये स्मार्टफोन है, जिसमें आपको 14,000 की इसकी कीमत देखने को मिल जाती है, और स्मार्टफोन के फीचर की बात करें, स्मार्टफोन 6.7 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले और देखने को मिल जाती है, जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 870 का प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि कह सकते हैं प्रोसेसर भी काफी अच्छी प्रोसेसर है, और कह सकते हैं इसकी बात करें कैमरा वगैरह का 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल सेकंड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का कह सकते हैं थर्ड सेंसर देखने को मिल जाता है। कहेगा कि पीछे कैमरा वगैरह भी काफी अच्छी स्मार्टफोन को देखने को मिल जाती है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और 67 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन में, और कह सकते हैं दोस्तों 14,000 के रेंज में, और इस स्मार्टफोन के फीचर्स के हिसाब से काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें सातवें नंबर के स्मार्टफोन के लेकर, तो सातवें नंबर के स्मार्टफोन दोस्तों पोको की तरफ से आने वाला काफी अच्छा स्मार्टफोन है, पोको M6 Pro, जो कि आपको 6.79 इंच का आपको कह सकते हैं IPS LCD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें कैमरा वगैरह की बात करते हैं डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक्सटेंड सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें 6000 mAh की बैटरी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और 44 वाट का आपको चार्जर चार्ज करने के देखने को मिल जाता है, और कहा जाता है काफी अच्छी चार्जर क्वालिटी देखने के साथ मिल जाती है। और बात करें स्मार्टफोन की प्राइस की लेकर, इस स्मार्टफोन की प्राइस केवल आपको 11,000 रुपए देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों काफी अच्छे स्मार्टफोन है, और इस स्मार्टफोन को हमने इसीलिए चॉइस करके रखा है, आपको बजट 11,000 तक है तो आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, और 30,000 का बजट है तो मैंने 30,000 वाला स्मार्टफोन भी रख रखा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आठवें नंबर के स्मार्टफोन को लेकर, आठवें नंबर में हमने रखा है रेडमी की तरफ से आने वाला Redmi Note 12 Pro। दोस्तों ये भी स्मार्टफोन काफी अच्छी स्मार्टफोन है, जिसमें 6.67 इंच का आपको डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले वाली स्मार्टफोन है, और इसमें MediaTek का Dimensity का 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, सेकंड सेंसर बात करते हैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल के माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जाती है। इसकी स्मार्ट के प्राइस की लेकर, इसकी प्राइस आपको 15,000 रुपए में स्मार्टफोन को पा सकते हैं, 15-16,000 रुपए में, और कहा जाता है काफी अच्छे स्मार्टफोन रेडमी का नोट 12 प्रो है, काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा बेची जाने में से स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन। तो हम बात कर लेते हैं नौवे नंबर के स्मार्टफोन के, तो नौवे नंबर पर स्मार्टफोन हमने रखा है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो T3X। दोस्तों बात करें तो ये भी एक बजट के अंदर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.72 इंच का आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और सेकंड सेंसर 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन में, काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, और स्मार्टफोन बोला जाता है काफी अच्छा बेस्ट है, और स्मार्टफोन प्राइस की बात करें 13,000 स्मार्टफोन की कीमत देखने को मिल जाती है, जो की काफी अच्छे फीचर्स का देखने को मिल जाता है। इससे बात करें दसवें नंबर के स्मार्टफोन को लेकर, और लास्ट स्मार्टफोन हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में, देखने को मिलता है OnePlus Nord की तरफ से OnePlus Nord 2। दोस्तों काफी अच्छे स्मार्टफोन है, और बात करें कि 5G सेगमेंट में एक अच्छी स्मार्टफोन है, और जिसमें हम बात करें 6.43 इंच का आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें MediaTek का Dimensity का प्रोसेसर है 1200 का, और इसमें आप बात करें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल सेकंड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर देखने को मिल जाता है।
तीन ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है इस स्मार्टफोन में, जिससे 4500 mAh की बैटरी और 65 वाट का आपको चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी स्मार्टफोन की बात करें क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा कैमरा की अच्छी देखने को मिल जाती है। दोस्तों ऐसे ही 10 स्मार्टफोन है, तो जिसमें से आपको हमने 11,000 से 30,000 तक स्मार्टफोन को हमने कवर किया है, जिसमें आपको हर एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है बजट क्वालिटी के लेकर और अच्छे क्वालिटी के लेकर और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के स्मार्टफोन को हमने देखा रखा है। तो आप जो स्मार्टफोन को पसंद करते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने बजट के अंदर बताइएगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आया। तो सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा और चैनल पर नेक्स्ट स्टेप नहीं कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा।